Hello students, in the last video we have studied how to convert any block diagrams into signal flow graph. Okay, in today's video we will study how to convert any electrical circuit into signal flow graph. Okay, so is video mein hame thoda sa concept network theory ka bhi chahiye hoga kyunki hame yahan par electrical circuit se deal karna hai, to hame yahan par KVL KCL ka concept bhi use hoga. Okay, so main yahan par aapka first network circuit consider kar raha hu. ओके और इस नेटवर्क सर्किट के लिए हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ जनरेट करना है. ओके, सो दिस इज माय नेटवर्क सर्किट. रजिस्टर इज R1. ओके, देयर इज वन कैपेसिटर C एंड देयर इज वन अनदर रजिस्टर R2 एंड देयर इज अ इंडक्टर L. ओके, नाउ इस इंडक्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट कंसीडर करना है V0 एंड यहां पर हमारा इनपुट है VI. ओके, so for this electrical circuit we need to draw signal flow graph. Now agar aap yahan par dhyan se dekhen, is electrical circuit mein hamare paas inductor aur capacitor bhi available hai along with the resistors. Aur hame pata hai ki agar kisi circuit mein inductor aur capacitor present ho to hame sabse pehle overall circuit ka laplace transform lena hota hai ya impedance calculate karna hota hai, kyunki resistor ka jo aapka unit hoti hai wo hoti hai ohm, कैपेसिटर की यूनिट होती है आपकी फेरेड एंड इंडक्टर की यूनिट होती है आपकी हेनरी. ओके, तीनों की यूनिट आपकी डिफरेंट होती है. सो सबको सेम यूनिट में लाने के लिए आपको सबके इंपेडेंस कैलकुलेट करने होते हैं या तो फिर आप उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम यहां पर क्या करेंगे, इंटायर सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे जिससे इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर सबकी यूनिट आपकी ओम में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो अगर मैं इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंसीडर करूं, सो इनपुट विल बी VIS, रजिस्टर का आपका सेम ही होता है सो R1, कैपेसिटर का आपका क्या हो जाएगा 1/CS, देन R2, देन क्या हो जाएगा आपका LS. ओके, नाउ दिस इज प्लस माइनस V0S. ओके, सो ये हमारा यहां पर सर्किट क्रिएट हो गया जहां पर रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर सबकी यूनिट्स आपकी क्या है सेम. नाउ इस सर्किट के लिए हम लोग अब सिग्नल फ्लो ग्राफ जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो सिग्नल फ्लो ग्राफ जनरेट करने का मेथड क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका इनपुट नोड क्या है. तो इनपुट नोड आपका क्या है यहां पर VIS. ओके, देन आपका आउटपुट नोड क्या है, आउटपुट नोड है आपका V0S. ओके, नाउ इन बिटवीन नोड आपके क्या क्या होंगे ये हमें अब आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो इन बिटवीन नोड्स के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सर्किट में जितने लूप्स दिख रहे हैं उतने आपको लूप्स करंट कंसीडर करने होंगे. तो यहां आपके दो लूप दिख रहे हैं, तो फर्स्ट लूप करंट कितना हो जाएगा I1S एंड सेकेंड लूप करंट क्या हो जाएगा आपका I2S. ओके, नाउ इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़कर कोई अगर और कोई नोड आपको दिख रहा हो तो उसमें आपको नोड वोल्टेज कंसीडर करना होगा. तो दिस इज द नोड एंड नोड वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका VCS. ओके, दिस वोल्टेज इज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हमने क्या नाम दे दिया VCS. ओके, क्लियर है पॉइंट. ये आपका था इनपुट नोड, दिस इज द डिफरेंट नोड, सो वी हैव गिवन द नेम VCS एंड दिस इज योर आउटपुट नोड. ओके, और ये आपका क्या है, ग्राउंड है. नाउ अब हमें I1 I2 VC एंड V0 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इनके इक्वेशंस जनरेट करने हैं. ओके, क्योंकि आपको पता है जो VI है उसमें कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं हो सकती, तो आपको VI का इक्वेशन यहां पर क्रिएट नहीं करना है. VI इज द इनपुट. ओके, मेनली आपको क्रिएट करना है I1 I2 VC एंड V0 के इक्वेशंस. तो अगर मैं I1 का इक्वेशन यहां ध्यान से देखूं तो आप देखिए I1 जो करंट है वो R1 से फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा VI माइनस VC और डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टर, तो डिवाइडेड बाय R1. ओके, सो I1 हो जाएगा आपका VI माइनस VC डिवाइडेड बाय R1. सिमिलरली I2 जो है आपका, I2 क्या हो जाएगा आपका, आप देखिए जो I2 है आपकी वो R2 से फ्लो हो रही है, सो VC माइनस V0, ठीक है ना, वोल्टेज डिफरेंस जिससे वोल्टेज से जिस वोल्टेज तक फ्लो हो रही हो, तो क्या हो जाएगा VC माइनस V0 डिवाइडेड बाय R2, तो कितना हो जाएगा VC माइनस V0 डिवाइडेड बाय R2. ओके, नाउ VC की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, आप VC देखिए टोटल वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वोल्टेज क्या होगा आपका
करंट इंटू इंपेडेंस. ओके, सो इस ब्रांच के थ्रू करंट कितनी है आपकी, आई वन माइनस आई टू. ओके, सो कितना हो जाएगा आपका वीसी, आई वन माइनस आई टू इंटू टोटल इंपेडेंस. टोटल इंपेडेंस क्या है, वन बाय सी एस. ओके, नाउ फाइनली जो आपका वी नॉट है, वी नॉट कितना हो जाएगा, आप देखिए वी नॉट जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है आपकी आई टू है, तो आई टू इंटू इंपेडेंस ऑफ इंडक्टर, तो कितना हो जाएगा आपका आई टू इंटू एल एस. ओके, सो ये जो कंसेप्ट है आपके, जो हमने आई वन आई टू वी सी एंड वी जीरो कैलकुलेट किए हैं, ये कंसेप्ट आपके नेटवर्क थ्योरी पर डिपेंड करते हैं. ओके, अगर आपको इन कंसेप्ट में थोड़ा भी डाउट हो तो आप मेरी नेटवर्क थ्योरी की जो वीडियोस हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं, बेसिक जो केवीएल केसीएल की वीडियोस हैं. ओके, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमने इस सर्किट को किस तरह से सॉल्व किया है. ओके, और अगर आप कंट्रोल सिस्टम को पहले पढ़ रहे हैं और नेटवर्क थ्योरी को आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस केवीएल केसीएल के एनालिसिस को अभी लीव भी कर सकते हैं. अभी आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये इक्वेशन पता है और अब आप इसे सिग्नल फ्लो ग्राफ में ड्रॉ करना है. ओके, सो अगर मैं नेक्स्ट नोड ले लूं यहां पर आई वन और नेक्स्ट नोड ले लूं वी सी एंड नेक्स्ट नोड इज आई टू, तो यहां पर मेरे सारे के सारे नोड कवर हो गए. ओके, यहां पर आपको एक और पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो नोड का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड फिक्स रखने हैं आपको, बाकी के जो इन बिटवीन नोड्स हैं आपके वो आप किन्हीं भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज आई वन, आई वन जो है वी आई अपॉन आर वन, मतलब वी आई से कितना आ रहा है आपका वन अपॉन आर वन. ओके, वी सी माइनस वी सी अपॉन आर वन, मीन्स वी सी से कितना आ रहा है माइनस वन अपॉन आर वन, सो ये फीडबैक हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन आर वन. ओके, नाउ अगर आप वी सी का इक्वेशन देखें तो क्या है आई वन इंटू वन बाय सी एस, मतलब आई वन से कितना आ रहा है आपका वन बाय सी एस, माइनस आई टू इंटू वन बाय सी एस, मतलब आई टू से कितना आ रहा है आपका माइनस वन बाय सी एस. ओके, नाउ जो लास्ट आपका वी नॉट है वो कितना है आई टू इंटू एल एस, सो आई टू से कितना आ रहा है आपका एल एस आ रहा है. ओके, हमने पहले भी सिग्नल फ्लोग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, हमें पता है कि जिसका इक्वेशन होता है उसमें सारी चीजें इनकमिंग होंगी, उस नोड में आपको इनकमिंग डायरेक्शन शो करने हैं. ओके, क्लियर है पॉइंट. तो इस तरह से हम लोग किसी भी नेटवर्क सर्किट को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. जो मेन पॉइंट्स हैं आपके वो ये है कि पहले आपको इनपुट एंड आउटपुट नोड आइडेंटिफाई कर लेने हैं, उसके बाद के जो आपके इन बिटवीन नोड्स हैं आपके वो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, तो बहुत ही सिंपल है, जितने लूप्स दिख रहे हैं उतने लूप्स करंट होंगे और जो लूप्स करंट होंगे वो भी एज अ नोड बिहेव करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में. उसके बाद इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़कर जितने और नोड्स होंगे उन पे आप नोड वोल्टेज कंसिडर करिए और जो नोड वोल्टेज है वो भी आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में एज अ नोड बिहेव करेंगे. ओके, नाउ उसके बाद आपको सिंपल नेटवर्क का केवीएल केसीएल का कंसेप्ट आना चाहिए. ठीक है, तो आप आराम से नेटवर्क सर्किट से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर कंसीडर करूं, इस एग्जांपल में हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ भी दिया हुआ है और नेटवर्क सर्किट भी दिया हुआ है. ओके, और हमें कुछ अननोन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ओके, सो सपोज करिए आपको ये नेटवर्क सर्किट दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम. ओके, देयर इज अनदर रजिस्टर ऑफ 3 ओम एंड लास्ट रजिस्टर इज ऑफ 4 ओम. ओके, और इस लास्ट रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है वी नॉट. नाउ हमें जो इनपुट दिया है वो इस पॉइंट पर दिया है प्लस माइनस वी आई. नाउ लूप वन में हमें करंट दी हुई है आई वन एंड लूप टू में जो करंट दी है वो दी हुई है आई टू. ओके, नाउ जो सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें दिया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 4 नोड्स हैं, इनपुट नोड वी आई, आउटपुट नोड वी जीरो एंड इन बिटवीन नोड्स आर आई वन एंड आई टू. ओके, एंड कुछ आपको गेन्स गिवन है यहां पर, दिस गेन इज जी वन, दिस गेन इज जी टू, दिस गेन इज जी थ्री और I2 से I1 तक आपको एक फीडबैक गेन गिवन है दैट इज H. ओके, नाउ हमें बोला गया है कि इन दोनों सिग्नल फ्लो ग्राफ्स को हमें कंपेयर करना है एंड G1, G2, G3 एंड H की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ओके, अब
अगर आप इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें, तो आपने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा था कि मैंने आपको कहा था कि जितने लूप्स होंगे उतने आपको करंट लेने हैं, एंड इनपुट नोड और आउटपुट नोड को छोड़कर जितने नोड्स होंगे उतने आपको नोड वोल्टेज भी लेने हैं, जो कि आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में शो होंगे, ओके। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मुझे गिवन है उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ लूप करंट्स लिए गए हैं, नोड वोल्टेज जो है इनपुट और आउटपुट नोड को छोड़कर वो कंसिडर नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है अब हमें उसी तरीके से डील करना होगा। जब हम खुद से बनाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट से सिग्नल फ्लो ग्राफ तो हम कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया होगा, मतलब आपको नेटवर्क सर्किट भी दिया है और सिग्नल फ्लो ग्राफ भी दिया हुआ है, तो अब आपको उसके करस्पॉन्डिंग ही सॉल्व करना होगा, ओके। तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमें यहां पर G1 की वैल्यू क्रिएट करनी है, G2 की, G3 की एंड H की। तो हम फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। सबसे पहले हम लोग I1 और I2 का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो I1 के लिए आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप यहां पर KVL लगा सकते हैं फर्स्ट लूप में, ओके। सो अगर मैं फर्स्ट लूप में KVL लगाऊं तो पहला साइन वोल्टेज का क्या है, माइनस, सो माइनस VI, ओके। देन इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या है, I1, सो क्या लिखेंगे आप, प्लस 1 इंटू I1, ओके। नाउ 2 ओम के अक्रॉस आपका क्या करंट है, I1 माइनस I2, सो आप क्या लिख लेंगे, प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0, ओके। सो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन यहां पर क्रिएट हो गया है। नाउ अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं, सो क्या हो जाएगा, 2 ओम के अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका, नाउ आपकी मेन करंट क्या है, आपकी I2 है, तो आप क्या लिखेंगे, 2I2 माइनस 2I1, ओके। सो 2I2 माइनस 2I1 प्लस 3 ओम के अक्रॉस करंट क्या है, आपकी I2 है, सो आप क्या लिखेंगे, प्लस 3I2। सिमिलरली 4 ओम के अक्रॉस भी करंट क्या है, I2 है, सो 4I2 इक्वल टू 0, ओके। नाउ लास्ट अगर आप V0 का इक्वेशन लिखने जाए तो सिंपली आपकी करंट क्या है, I2 है, जो कि 4 ओम से फ्लो हो रही है, तो V0 क्या हो जाएगा आपका, 4I2, ओके। सो ये आपके 3 इक्वेशंस क्रिएट हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी इक्वेशन क्रिएट करने हैं, ओके। सो सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिए I1 का इक्वेशन क्या होगा, I1 में VI से क्या आ रहा है, G1, तो I1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, VI इंटू G1, और क्या I1 में कुछ आ रहा है, यस, I1 में I2 से आ रहा है आपका H, तो क्या लिखेंगे आप, प्लस I2 इंटू H, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ आप देखिए I2 का इक्वेशन, I2 में सिर्फ और सिर्फ I1 से आ रहा है G2, तो आप क्या लिख लेंगे, I2 इज इक्वल टू I1 इंटू G2, इक्वेशन नंबर 5। नाउ लास्ट इक्वेशन फॉर V0, V0 में कहां से आ रहा है, I2 से आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, G3, तो आप क्या करेंगे, V0 इज इक्वल टू I2 इंटू G3, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ओके। सो मैं फिर से प्रोसीजर को रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नेटवर्क सर्किट है आपका उसमें से आपको I1, I2 एंड V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो I1 के लिए हमने क्या किया, सिंपली KVL अप्लाई किया, हमें पता है KVL कैसे होता है, एक सिंपल लूप में आपको मूव करना है करंट के डायरेक्शन में। तो जब आप करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फर्स्ट साइन आपका क्या है, वोल्टेज का, माइनस, तो माइनस VI, देन 1 ओम के अक्रॉस क्या होगा, 1 इंटू I1, देन 2 ओम के अक्रॉस क्या होगा, जो आपकी मेन करंट है जिस लूप के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस सेकेंड करंट, मीन्स 2I1 माइनस 2I2, ओके। नाउ सेकेंड लूप के लिए आपके क्या हो जाएगा, 2 ओम के अक्रॉस फिर से I1 और I2 दोनों का इफेक्ट है, तो आपकी मेन करंट कौन सी है, आपकी I2 है, तो 2I2 माइनस 2I1, ओके, प्लस 3 ओम और 4 ओम दोनों के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ I2 का इफेक्ट है, तो 3I2 प्लस 4I2, ओके। सिमिलरली V0 को अगर आप देखें, V0 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, 4 ओम के अक्रॉस करंट क्या है, आपकी I2 है, सो V0 क्या हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा सिंपली, ओके। नाउ सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो हम जानते हैं जो भी नोड्स है, ठीक है ना, उसका इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो हमें देखना होता है उस नोड में कहां कहां से इनकमिंग ब्रांचेस आ रही हैं। तो आप देखिए I1 में इनकमिंग ब्रांच कहां कहां से आ रही है, VI से आ रही है, और कहां से आ रही है, I2 से आ रही है, बस
आप उन्हें गेन से मल्टीप्लाई करके एड करके लिख लीजिए, तो आई वन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी आई इंटू जी वन प्लस आई टू इंटू एच। सिमिलरली आप आई टू और वी जीरो का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहां पर हमारे पास टोटल 6 इक्वेशन है। अब हमें इन इक्वेशन को कंपेयर करना है और उसके बाद G1, G2, G3 एंड H की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ओके, सो बहुत ही इजी कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 6 में। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशन V0 इक्वल टू है। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर आपका है 4I2, यहां पर है I2 into G3। इसकी मीनिंग क्या है कि G3 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 4 हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यूज हम देख लेते हैं, क्या हमें और कोई कंपैरिजन डायरेक्टली दिख रहा है क्या। यस आप देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है वो इक्वेशन है आपका I2 का। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें भी आपको I2 अवेलेबल है। इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो I1 है और इक्वेशन नंबर 2 में भी I1 अवेलेबल है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 5 दोनों ही आपके I2 और I1 के फॉर्म में है। तो यहां से आप फिर से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को I2 के फॉर्म में लिख दें तो आपका कंपैरिजन हो जाएगा बहुत इजीली। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए 2I2 प्लस 3I2, 5I2 प्लस 4I2, 9I2। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 से आपका क्या हो जाएगा, 9I2 इज इक्वल टू I1 का कोफिशिएंट है आपका 2, सो 2I1। सो कितना हो जाएगा I2 आपका, 2/9I1। ओके, ये कहां से था आपका, इक्वेशन नंबर 2 से था। तो अब अगर आप कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 से, सो G2 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। G2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई आपकी, 2/9। ओके, सेम अब हमारे पास रह गया G1 एंड H। ओके, सो आप देखिए यहां पर जो आपका G1 और H है दोनों ही आपका इक्वेशन नंबर 4 में है। ओके, तो अब हमारे पास नेटवर्क सर्किट के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 रह गया है। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है आपका वो VI, I1 एंड I2 के फॉर्म में है। सेम आपका जो इक्वेशन नंबर 4 है वो भी VI, I1 एंड I2 के फॉर्म में है। ओके, सो अब अगर मैं अपने इक्वेशन नंबर 1 को I1 इक्वल टू के फॉर्म में लिख लूं तो मेरे 1 और 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे और मैं बहुत इजीली कंपेयर कर पाऊंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम देखें यहां पर फ्रॉम 1 I1 इक्वल टू, ओके, सो आप देखिए I1 के कोएफिशिएंट आपके क्या है, I1 के कोएफिशिएंट है आपके 3। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3I1 इक्वल टू VI प्लस 2I2। ओके, सो VI प्लस 2I2, तो I1 का कोएफिशिएंट क्या था आपका, 3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3। ओके, सो I1 इक्वल टू VI प्लस 2I2 होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो जो VI का कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका, G1। तो हम यहां पर G1 की वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पर G1 हो जाएगा आपका 1/3 एंड जो I2 का कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका, H है, तो H क्या हो जाएगा आपका 2/3। ओके, सो यहां से हमारी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, G1, G2, G3 एंड H। ओके, सो इस तरह से अगर हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड नेटवर्क सर्किट दिया हो तो हम अननोन कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से इक्वेशंस लिखने हैं और नेटवर्क सर्किट से इक्वेशंस लिखने हैं और दोनों इक्वेशंस को हमें बस कंपेयर कर देना है। ओके, सो ये आपकी जो वीडियो थी, हाउ टू कन्वर्ट नेटवर्क सर्किट इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, आई होप आपको क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंप्लीट वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।